वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मदर्स डे के लिए केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए 4 हैप्पी हैप्पी बिस्किट के पैकेट। 5 रुपीस का एक पैकेट है। इसके बाद में हमें इनको खोल के एक बर्तन में निकाल लेना है। इसके बाद में मैंने एक मिक्सचर ले लिया है। इसके अंदर मैं 2 से 3 चम्मच चीनी डाल के इसको पीस ले रही हूँ। पहले मैं इसको अकेले इसलिए पीस रही हूँ ताकि अच्छे से पिस जाए, बिस्किट के साथ हमेशा अच्छे से नहीं पिसती। इसके बाद में जो बिस्किट है आप इसमें 1 से 2 रख सकते हैं गार्निशिंग के लिए, बाकी के जो है आपको तोड़कर इसके अंदर डाल देने हैं। फिर हमें इसको भी अच्छे से पीस लेना है, इसका हम पाउडर बना लेना है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से पाउडर बन चुका है। चीनी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो डाल भी सकते हैं। इसके बाद में एक बर्तन में इसको निकाल लेने के बाद में हमें चाहिए दूध। दूध को जो है पहले आप खरीद के आए तब गर्म करके और फिर उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रूम टेम्परेचर पर ही आपको इसको ठंडा करना है, इसको फ्रिज के अंदर नहीं रखना है। फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हमको दूध डाल के इसका अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। ये ना तो ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी आपको जो है वो मीडियम रखनी है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद में मैंने एक इडली कुकर ले लिया है जिसके अंदर हम खमन ढोकला भी बनाते हैं। इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसको ढक करके मुझे 5 मिनट के लिए इसको प्री हीट पर रख देना है। तो मैं मीडियम फ्लेम पर इसको रख देती हूँ। तब तक मैं क्या करूँगी जिसमें मुझे केक बनाना है, इसमें हम ढोकला भी बनाते हैं। इसके अंदर अच्छे से हमें ऑयल लगा लेना है। इसके बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा लगा लेते हैं, अच्छे से चारों तरफ इसको फैला लेना है। इसके बाद जो हमारा ये बिस्किट का मिक्सचर रेडी था इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स टूटी फ्रूटी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसको फिर हमें कर लेना है अच्छे से मिक्स। तब तक हमारा जो है वो 5 मिनट के लिए प्री हीट हो रहा है। इसके बाद में लास्ट में आपको ऐड करना है इनो। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से इनो ऐड कर लेने के बाद में आपको कर लेना है इसको अच्छे से मिक्स। इसके बाद में हमें जिसमें केक बनाना है, आपके पास केक टिन हो या जो भी बर्तन हो उसके अंदर हमें इसको अच्छे से डाल देना है। इसके बाद में अच्छे से आपको इसको टैप कर लेना है। आप चाहें तो अभी भी इसके ऊपर टूटी फ्रूटी या ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। फिर हमें इसको जो 5 मिनट के लिए प्री हीट पर रखा था उसको खोलना है, उसके अंदर रख देना है और 40 से 45 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना है। तो 45 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद अब इसको खोल के देख लेते हैं। चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे चाकू लिया है, आप टूथपिक भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। आप देख सकते हैं जब ये क्लीन बाहर आ जाए मतलब ये रेडी है। इसके बाद मैं इसको बाहर निकाल के, तुरंत आपको केक को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करनी है, इसको पहले ठंडा कर लेना है। ठंडा कर लेने के बाद में आपको चाकू की मदद से पहले इसके कॉर्नर्स को अच्छे से रिमूव करना है। आप देख सकते हैं अच्छे से पहले इसको आप रिमूव कर दीजिए। इसके बाद में एक प्लेट लेनी है और इसको उल्टा करना है, धीरे धीरे से इसको निकालना है। अब एक दूसरी प्लेट लेनी है और इसी तरीके से आपको उसको फिर वापस से सीधा कर लेना है। अब हम करेंगे इसको डेकोरेट। इसके लिए मैंने यहाँ पे हर्षी सिरप का पाउच ले लिया है। इसके अंदर चॉकलेट सिरप आती है, आप इसको अच्छे से चारों तरफ लगा लें। देख सकते हैं ये वैसे अभी इतना यमी लग रहा था ना कि फिर मैंने सोचा इसको ठंडा कर लेंगे, फिर मम्मी को सरप्राइज देंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ठीक है, इसके बाद में जो मैंने वेफर्स ले लिए थे उसके ऊपर मैंने M लिख दिया है, M से मॉम। तो मैं यहाँ पे M लिख ले रही हूँ। मैंने फिर एक हैप्पी बिस्किट ले लिया था और उसके आसपास में मैंने जेम्स लगा के इसको एक फ्लावर का शेप दे दिया। एंड थोड़ा सा मैंने फिर से वहाँ पे जो है वेफर्स से कुछ डेकोरेट कर दिया। एंड इसके बाद में अगेन मैंने यहाँ पे जो है वेफर्स को जो है इसके ऊपर लगा के बिस्किट लगाया तो ये थोड़ा अच्छा ज़्यादा लग रहा था। फिर मैंने वापस से इसके ऊपर जैम्स लगा दी और टेस्टी टेस्टी मदर्स डे के लिए मैंने केक बना दिया। आप भी बनाइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।